आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल सखी के बारे में। तो जल सखी बनने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए जल सखी बनने के लिए, और इसका मोड क्या होगा यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी बताएंगे। तो पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जिन लोगों को जल सखी के बारे में नहीं पता है कि जल सखी क्या है और कैसे है, इसका क्या काम होगा, सारी वीडियो मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है, सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। तो आप ये वीडियो देखिए ना, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सारी बात आपको समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए बताते हैं हम आप। तो जल सखी बनने के लिए आपकी पहली योग्यता जो है वो है स्वयं सहायता समूह, यानी कि आप स्वयं सहायता समूह की महिला की सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले चीज़ बता दें हम आपको, ये समूह की ही नौकरी ये सब आ रही है, जितने भी लगभग आ रही हैं ये सब, तो समूह की ही महिला को इसका लाभ मिलेगा जो समूह से जुड़ी हुई महिला रहेगी। और एक बात याद रखिएगा, इसमें लड़कियों का आवेदन नहीं होगा, केवल महिलाओं का होगा, ये भी याद रखिएगा। नहीं भाई, बहुत सारी मतलब गर्ल्स हैं, महिला लड़कियां हैं, वो मतलब कमेंट भी करेंगे कि मैम हम कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम पहले से ही बता दे रहे हैं इसमें महिलाओं का होगा केवल, ठीक है। तो ये तो आपने जान लिया कि समूह की महिला का इसमें आवेदन होगा। दूसरी चीज़ जान लेते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें 10वीं पास ज़रूरी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ी हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10वीं पास इसमें महिला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्र आपकी जो होगी वो होगी करीब 18 से 40 साल या 35 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जल सखी बनने के लिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो तो आपके जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, और उसके बाद आपका मार्कशीट हो गया, और आपका बैंक का पासबुक हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी हमें उम्मीद है। बाकी अब हम आपको बता दें यहाँ पर कि आवेदन जो है ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो इसके आवेदन ऑफलाइन होने वाले हैं, ठीक है, ऑफलाइन ही इसके आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे। आपने अगर देखा होगा तो समूह में जितनी भी नौकरियां हैं सभी में ऑफलाइन ही आवेदन है, केवल और केवल बीसी सखी की ही एक ऐसी नौकरी थी जिसमें ऑनलाइन आवेदन हुए थे, बाकी किसी में भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए हैं, चाहे मेट है, चाहे बैंक सखी है, चाहे समूह सखी है, सब में ऑफलाइन आवेदन ही होते हैं, अभी तक वही हो रहा है। बाकी पूरी जानकारी मैंने कवर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें आपको बताती हैं जो जानकारियाँ थी, ठीक है। और अगर आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और भी न्यूज़ आपको मिलने वाली है अच्छी अच्छी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का जल सखी के, तो जा करके देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।